ऑब्वियसली नेगेटिव कैरेक्टर जब आपने कर लिया, कॉमेडी भी आपने कर ली, सिंपथीज वाले भी कर लिए, अब क्या है, कोई चेकलिस्ट में कुछ आगे कुछ बचा है यार? कुछ एक्सपेरिमेंटल मजे का नहीं, वो तो हूँ वो तो मैं चलती फिरती हूँ, उसमें क्या फर्क है, लेकिन ये कि हाँ कुछ डिफरेंट, कुछ स्लाइटली डार्क किस तरह से करने में, आई डोंट नो, कुछ डिफरेंट जो हम, हमारा जो चल रहा होता है, मतलब सोप्स का भी, सीरियल्स का भी, जो एक टिपिकल कैरेक्टर होता है उससे थोड़ा सा बाहर आने का मेरा बड़ा, कुछ डिफरेंट, मतलब जो नॉर्मल चीज चल रही है ना उससे थोड़ा सा कुछ हटके करने का दिल चाहता है। फॉर एग्जांपल कोई 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 शेड दिखाया मैं आप, सीरियस हो, नैरेटिव बेस्ड, मैं इसलिए कह रही हूं कि नैरेटिव स्ट्रांग हो, कैरेक्टर जैसा होगा तो कैरेक्टर खुद ड्रिवन होगा उसमें, खुद ड्रिवन होगा, एग्जैक्टली, तो नैरेटिव कुछ डिफरेंट मिले ना तो उसको प्ले आउट करने में मजा आता है, आप उसको सटल भी रख सकते हैं, ओटीटी भी रख सकते हैं, जैसा आप जो आपको उसको डेवलप करना चाहें, नैरेटिव थोड़ा सा डिफरेंट मिले। मेरा तो अभी सेकंड ड्रामा है तो आई एम ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज, में थर्ड है, तुम्हारी काउंटिंग भी खराब है, आई एम सॉरी, मैं रिपीट करता हूं, मेरा तीसरा ड्रामा है, मैं होस्ट बता रहे गेस्ट को, भाई आप टीम कर चुके हैं, आपको बहुत तीन, यार वो स्पेशल अपीयरेंस थी एक तरह से, वो कैरेक्टर कैरेक्टर उस तरह से वो नहीं था, लेकिन जैसे हम तीनों दूर-दूर थे लेकिन ये कि हां मैं तो यार आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, मजेदार एक्सप्लोर करने के लिए, एवर रेडी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने थिएटर भी किया है, वहां हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाए हुए हैं और मजा आता है थिएटर करने का, अपना ही मजा है, उसमें स्टोरीज भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती थी, तो आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, जहां अपॉर्चुनिटी आए मजेदार, यू नो, तैयार हूं मैं उसको करने के लिए। यार मैं चाहूंगा कि अगर रॉनी कोई खतरनाक वाला विलन होता, खतरनाक वाला बिल्कुल, मतलब जो आपकी पीक है खतरनाकी की, मैंने विलन ही प्ले किया था, वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था मेजर, उसमें मैं विलन था और उसके लिए मैं गंजा हुआ था, प्रॉपर गंजा हुआ था, दाढ़ी बढ़ाई थी, वेट गेन किया था, सब कुछ किया था, वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली रिलीज नहीं हुई है, पता नहीं कब आएगी, सही टाइम पे हो जाए, आई होप सो, लेट्स सी, लेट्स सी, यू नेवर नो, रखी हुई अभी शेल्फ होती है, बाद में ऐसे टाइम पे निकलती है, क्या बोलते हैं यार, इसी टाइम के लिए बनी थी फिल्म, मैं वही कह रहा हूँ कोई ना कोई बेहतरी होगी, अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होगी, इसलिए वो डिलेड है, लेकिन मैंने उस पे विलेन ही प्ले किया था, गंदा विलेन, मतलब गंदा विलेन का नाता नहीं था, अब उसमें उसमें भी हम दोनों साथ थे, मट्टी खाता था क्या, क्या गंदा था यार, मतलब वो बिल्कुल गंदा क्लियर करो, हम कंफ्यूज हो गए, वो दिखने में भी गंदा, बचपना गंदा था, बड़ा गंदा, मतलब दो अलग विलेन, एक अच्छा गुड लुकिंग विलेन आया, वो दिखने में बहुत इविल, दाढ़ी गंजा धोती पहनी, बेसिकली ओवर द टॉप, ओवर द टॉप, और वो ओवर द टॉप विलेन था, तो हम चाहेंगे कि उस विलेन को अगर आप 1+ करें, हाँ, और वो विलेन ब्रेक ले, तो ब्रेक कैसी होगी यार, वो ब्रेक वैसे मुझे याद करना पड़ेगा, उसकी बड़ी मैंने एक टोन बनाई, अरे उससे 1+ करना है आपको, 1+, हाँ, कुछ एक नया कैरेक्टर जो आपको लगता है उससे भी खतरनाक रॉनी कर सकता है, अभी तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, लेकिन आकर अयाज समो फिर से हमें होश करेगा।